भारत माता की इनकलाब वंदे वंदे। केजरीवाल बोले मोदी ने शिवराज की राजनीति खत्म कर दी। दिल्ली में कहा, जिसने एमपी में जीत कर सरकार बनाई उसको सीएम नहीं बनाया। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने शनिवार को कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने शिवराज सिंह की राजनीति खत्म कर दी। जिसने मध्य प्रदेश में सरकार बनाई उसको मुख्यमंत्री नहीं बनाया। तिहाड़ जेल से 39 दिन बाद जमानत पर बाहर आए दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने पार्टी ऑफिस में पहला चुनावी भाषण दिया। 21 मिनट की स्पीच में केजरीवाल ने बीजेपी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर करारा हमला बोला। अरविंद केजरीवाल ने कहा, इन्होंने बीजेपी का एक नेता नहीं छोड़ा, आडवाणी जी की राजनीति खत्म कर दी, मुरली मनोहर जोशी, सुमित्रा महाजन और शिवराज सिंह चौहान, जिसने मध्य प्रदेश का चुनाव जीत कर दिया उसे मुख्यमंत्री नहीं बनाया। इन्होंने खट्टर साहब की राजनीति खत्म कर दी, डॉक्टर रमन सिंह की राजनीति खत्म कर दी, 2 महीने में यूपी का सीएम भी बदल देंगे। केजरीवाल ने कहा, अब अगला किसका नंबर है? योगी आदित्यनाथ। अगर यह चुनाव जीत गए तो मुझसे लिखवा लो, 2 महीने के अंदर उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बदल देंगे, योगी आदित्यनाथ की राजनीति खत्म करेंगे, उनको भी निपटा देंगे। यही तानाशाही है, वन नेशन वन लीडर, यही ये चाहते हैं। इस देश में एक ही तानाशाह रहेगा। सीएम मोहन बोले, केजरीवाल मतदाताओं का अपमान कर रहे। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने कहा, देश का दुर्भाग्य देखिए कि एक मुख्यमंत्री अपनी जिद के आगे मतदाताओं का अपमान कर रहा है। उनकी पार्टी को जितने वोट मिले थे सारे मतदाताओं का अपमान है। केजरीवाल जैसे व्यक्ति के बारे में ये कहा जाता था कि वे इन सब बातों को समझते हुए व्यवहार करेंगे, लेकिन पता नहीं परमात्मा जिसकी परीक्षा लेता है, जिसका समय खराब आता है तो वो ऐसा ही निर्णय करता है। कुर्सी पर रहकर साइन भी ना कर सके, ये बहुत बड़ा अपमान। सीएम मोहन यादव ने कहा, पहली बात तो मुख्यमंत्री रहते उन्हें जेल नहीं जाना चाहिए था, दूसरी बात जेल गए तो बेल इसे एक्सेप्ट करके आना, 24 घंटे में एक दिन तो छोड़ो, अपनी कुर्सी पर रहकर एक घंटा भी साइन नहीं कर सके, इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या होगा, ये तो बहुत बड़ा अपमान है। पटवारी बोले, मोहन भैया वह आप पर भी लागू। केजरीवाल को लेकर सीएम मोहन यादव के बयान पर जीतू पटवारी ने ट्वीट कर लिखा, मोहन भैया आप जो तर्क दे रहे हैं वह आप पर भी लागू। मध्य प्रदेश की जनता ने शिवराज जी को चुना था, लेकिन पर्ची ने आपको कुर्सी दे दी। अब देखिए ना, इसी कुर्सी को बचाने का ही तो अब संघर्ष है कि आप दिल्ली के इशारे पर बोल रहे हैं और बोलते ही चले जा रहे हैं। अरविंद केजरीवाल को दिल्ली की जनता ने चुना है, लेकिन भाजपा ने फिर अपने आदतन अपराध का असर दिखाया। वैसे ही जैसे देश भर में चुनी हुई सरकारें गिराई, एमपी व एमएलए खरीदे, संवैधानिक संस्थाओं को अपना गुलाम बनाया, क्या यह सही है? माफी तो देश की जनता न बीजेपी को देगी न ही प्रधानमंत्री को। लोकतंत्र की हत्या, संविधान के अपमान का दंड तो जरूर मिलेगा।